हम लोगों को आना था सिटी स्क्वायर के पास। वो फ्रॉड इस चीज का था, वो बंदे कह रहे थे कि तुम्हारा जो पासपोर्ट थोड़ा वहाँ से बाहर जा सकता है तू। दिखा दिखा फिर से दिखा फिर से दिखा ऊपर तो कर। हाँ ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर ऊपर किसी बिल्डिंग के अंदर तो जा भाई। वो देख मरीना भी दिख रहा है। थोड़ा राइट कर राइट 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 राइट। हाँ रोक देख देख मरीना बे सैंड्स दिख रहा है यहाँ से। अरे कितना छोटा है। अच्छा दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, बड़ा तो है वो। वहाँ पे नहीं गया तू मरीना बे सैंड्स में? फोटोज नहीं क्लिक करी तूने वहाँ फोन से अपने? जा बाहर तो जा कहीं घूमने। What's up everybody, welcome to another vlog। तो आज पता है मैं अपना दूसरा टैटू बनवाने जा रहा हूँ। एक टैटू मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ यहाँ पे जो तुमने देख रखा है, और दूसरा टैटू ये रहा जो मैं आज बनवाने जा रहा हूँ। अब देखते हैं अजय का कितनी देर में मेरे को कॉल आता है, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ जाएंगे टैटू वाले के पास। अजय का जो फ्रेंड है ना उसी टैटू वाले पे जहाँ पे मैंने अपना पहला टैटू बनवाया था। तो टैटू ये रहा, ये पता है जापानीज में लिखा हुआ है। और अब तुम सोच रहे होंगे जापानीज में लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है मैंने महादेव जापानीज में। तो मैं बताया एक टैटू बनवाना चाहता था बहुत टाइम से जापानीज लैंग्वेज में, तो फिर मैंने ये वाला टैटू फाइनली डिसाइड किया। तो इस टैटू का रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और दूसरा टैटू ये रहा। तो मतलब मैंने जापानीज लैंग्वेज इसलिए चूज करी, तो मैं तुम्हें पूरा सीन बताता हूँ मैंने जापानीज लैंग्वेज क्यों चूज करी टैटू बनवाने के लिए। तो मतलब जापान मेरे को पसंद है, और वहाँ पे सैमुराइज है वो भी मेरे को पसंद है, और निंजाज है वो भी मेरे को पसंद है। मतलब जो जापान ये मूवी वगैरह होती है तो तुमने काफी ऐसी देखी होगी जिनमें पता है तलवारों में नाम लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है। तो मतलब मेरे को ये सारी की सारी चीजें पसंद है, वॉरियर वाली चीज है। और ऊपर से जापान जो कंट्री है काफी डिसिप्लिन लोग होते हैं वहाँ के, और भी बहुत सारे पंगे। तो मेरे को टैटू बनवाना था महादेव का, लेकिन मैं लिखवाना चाहता था जापानीज लैंग्वेज। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, और इस वाले टैटू का तो रीजन तुम लोगों को मैंने बता ही रखा है। इस वाले टैटू का रीजन भी यही है। तो यहाँ पे मैं टैटू बनवाऊंगा जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है महादेव। मैं हर हर महादेव लिखवा सकता था, लेकिन वो पता ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा इतना काफी है। एक बार को किसी बंदे को पता नहीं चलेगा, एक्सेप्ट उन लोगों को जिन्हें जापानीज आती है। जिन्हें जापानीज आती है वो तो देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने टैटू बनवा रखा ना, हर बंदा इसे देखने के बाद यही पूछता है ये क्यों लिखवा रखा है, किस लिए लिखवा रखा है, फिर मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। और अब आगे बंदे ये वाला टैटू देखेंगे तो इसके लिए भी बंदे यही पूछेंगे क्या लिखवा रखा है, तब मैं उन्हें बता दूंगा मैंने ये लिखवा रखा है। तो ऐसे तो मेरे को एक अद्धे टैटू और बनाने हैं। ये देखो ये तो छोटा वाला है, और यहाँ पे भी छोटा वाला टैटू होगा, लेकिन मेरे को अपने फोरआर्म्स पे बनवाना है, और बैक की तरफ और चेस्ट की तरफ। वो वाले थोड़े बड़े होंगे, वो वाले टैटू मैं काफी आगे जाके बनवाऊंगा, अभी फिलहाल छोटे छोटे टैटू से काम चला लो। वो वहां पे जो मैं टैटू बनवाऊंगा वो पता है मैं संस्कृत में लिखवाऊंगा, फिलहाल तो ये वाला टैटू बनवा के आते हैं जो जापानीज लैंग्वेज में लिखा है। 3:30 बज रहे, अभी मेरे को 5 बजे निकलना। The next day. बोलियो यार इसको एक बार। सो इसमें पासपोर्ट है, एक बार इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। कितने पेज का है? कम पेज का लग रहा है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया ब्रो। आ गया राहुल का पासपोर्ट फाइनली। तो राहुल ने पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो फिलहाल पासपोर्ट आ चुका है। मतलब कम से कम पासपोर्ट आने में लगे होंगे कितने दिन? 1 हफ्ता लगा पासपोर्ट आने में, और पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होने में कम से कम 2 महीने या 1.5 महीने लगा होगा। तो राहुल जब पासपोर्ट बनवा रहा था ना, तो जब इसका पासपोर्ट घर आ रहा था उससे पहले पता है राहुल के साथ एक फ्रॉड होते होते रह गया था। वो फ्रॉड पता है किस चीज का था? वो फ्रॉड था पासपोर्ट का। उसमें सीन ये था, वो फ्रॉड इस चीज का था, वो बंदे कह रहे थे कि तुम्हारा जो पासपोर्ट है ना वो रुक गया, तो स्पीड पोस्ट के चक्कर में ना तो तुम लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी। एक उन्होंने पेज दिया, उस पेज में सारी की सारी बैंक डिटेल डालनी थी, और 5 रुपए पे करने थे उस बंदे को। तो शायद वो बंदा कोई हैकर वगैरह था या स्कैमर था, स्कैमर हैकर दोनों ही था कह सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे मुद्दा ये था, अगर राहुल सारी की सारी बैंक डिटेल वहाँ पे डालता और 5 रुपए पे करता ना, उनको सारी बैंक डिटेल मिल जाती, सब कुछ मिल जाता, और पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते। तो जब तुम पासपोर्ट बनाओगे और तुम्हें ऐसा कोई कॉल आता है, तो समझ जाना तुम लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। पासपोर्ट वाले चक्कर में सीन ये होता है कि किसी का कॉल नहीं आता कभी, सीधा पासपोर्ट वाला क्या, हाँ वो तुम्हें पता है फ्रैकल आईडी दे देंगे तुम्हारा पासपोर्ट ट्रैक करने के लिए कि कहाँ तक पहुंचा। वो पता कोई कॉल वगैरह नहीं करते, लेकिन अगर याद रखना कोई कॉल आ रहा है तो समझ जाओ स्कैम हो रहा है तुम्हारे साथ। अगर कोई कॉल नहीं आया, सीधा पासपोर्ट तुम्हारा घर पे आ गया, तो समझ जाओ जेन्युइन काम हुआ है। तो बस ये राहुल के साथ पता फ्रॉड होते होते रह गया। सो फाइनली मुझे गमछा मिल गया मेरा। आई मीन टू से पता ये गमछा नहीं है, क्या कहते हैं इसको, कपड़े कहते हैं, कपड़ा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि पता है वैसे मैं काफी सारी चीजें कर चुका, बस रील एक चीज रह गई थी जो मैंने बनाई नहीं थी। फिलहाल तो आजकल मैं रील भी बना रहा हूँ ब्लॉगिंग के साथ साथ। ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, तुम्हें पता है 15 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बस इतना ही टाइम लगता है एक रील बनाने में। तो जल्दी जल्दी बनाओ, अपलोड करो, एडिट करो, छुट्टी। लेकिन जी तो यहाँ पे पता मैं जाने वाला था टैटू बनवाने, लेकिन एक सीन हो गया। टैटू का जो प्लान था ना वो कैंसिल हो चुका, क्योंकि जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन पता है अजय सोता रह गया, और इसके चक्कर में पता है लेट हो गए हम, क्योंकि उस समय तक वो बंदा पता अपनी शॉप बंद करके जा चुका। और फिर पता है अगला दिन आता है, और अगले दिन का भी प्लान था ना टैटू बनवाने का, वो भी कैंसिल हो चुका। वो पता है किस लिए हुआ, क्योंकि अजय पता है उस दिन चला गया था क्लब, और फिर आज तो संडे, तो आज का टैटू का प्लान मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि हम सारे भी आज क्लब ही जा रहे हैं। मैं, अमित, अजय और एक फ्रेंड है सचिन, और 2-3 बंदे और देखते हैं कौन कौन जाता है। तो मे भी शायद मेरा टैटू अब मंडे को बनेगा या बनेगा किसी और दिन, लेकिन पता है वो बनेगा जरूर 100%। कहाँ दिखाई हो, क्या कर रहे हैं मोटे? मोटे कहाँ जा रहा है? होटल में।
बाहर नहीं गया बाहर घूमने? कहाँ जाएगा आज? अंदर जाइयो उसके, आज अंदर अंदर जाइयो मरीना के अंदर। एक बार बाहर तो आ, बाहर का व्यू दिखा दे फिर से। यार फ्रंट कैमरे से दिखा रहा है, बैक कैमरे से दिखा ना। इधर डरता कितना है, थोड़ा वहाँ से बाहर जा सकता है तू? अरे ये वाला नहीं, वो वाला कहाँ गया? मरीना ओरा ओरा ओरा, ये सबसे फेमस। और लेफ्ट लेफ्ट में क्या है, और कहीं जा सकता है यहाँ से? ये तो ये सबसे फेमस। हाँ वाईफाई काम नहीं करेगा फिर, है ना? नीचे जा, नीचे यहाँ पे बोट चलती है। चल मगरमच्छ कहाँ नीचे हो भी सकता है? कहाँ पे जाके बनाएगा ब्लॉग? अच्छा डॉक्यूमेंट कर दियो मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। ओपल के साथ जाएगा? हाँ सही है सही है सही है। एक बार व्यू तो दिखा दे, एक बार गोल घुमा दे गोल। अभी गेस्ट दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। यहाँ 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 ऊपर कर ऊपर कर। हाँ ये देख वो पकड़ देख, पकड़ उस लड़के को पकड़। अभी इधर की साइड देख, इधर थोड़ा लेफ्ट राइट तो दिखा दे, लेफ्ट राइट तो घुमा दे। आगे तक जा ना, आगे तक जा। उस बच्चे को पकड़, पकड़, पकड़। देख रही हो क्या भेजा तूने? खोलियो पिंकी, खोलियो उसको। अच्छा हेलीकॉप्टर क्या? हम लोग तो पहुंच गए यहाँ पे, बस वेट कर रहे हैं अजय लोगों का। पता नहीं अजय और सचिन कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। वैसे मैं कॉल तो कर रहा हूँ बंदे को, लेकिन वो पता कॉल पिक नहीं कर रहा। फिलहाल हम लोग हैं रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पे। हम लोगों को आना था सिटी स्क्वायर के पास, अजय और सचिन यहीं वेट कर रहे हैं हमारा। बस हमें पार्किंग मिल जाए यहाँ पे। देख और अजय वो सामने देख, हेलमेट तो आ जाएंगे, बस गायब नहीं होने चाहिए। मैं तो मेरा तो लग रहा है कि कोई देखते टपा लेगा। गाड़ी ली भाई, ये भी रखना था यार। यार ये एडवांस दिख रहा है, ये अंदर भी तो नहीं आएगा? दिक्कत ये नहीं आएगा, यहाँ लगा दे। नहीं यार फूक जाएगा, यहाँ लगा दे। ओए हेलमेट लेके नहीं चल सकते क्या अंदर? यार आएगा नहीं डिग्गी के अंदर। दोनों महंगे हैं भाई, दोनों सेम ही हैं। 300 रुपए का फर्क है बस। हेलमेट तो आ गया यहाँ पे, अभी जेब ठीक है ना तेरी? हम जा रहे हैं यहाँ आगे की तरफ। ईमानदारी देख रहा देश में कितनी है। 3 घंटे से हेलमेट वहाँ पड़ा हुआ भाई, कोई नहीं लेके गया। देखा मित्र बंदे का हेलमेट पता है पिछले 3-4 घंटे से वहीं पे रखा हुआ था, और हम अंदर से बाहर हो गया है। वो बंदा पार्किंग में अपना हेलमेट ढूंढ रहा है। जैसे यहाँ पे हेलमेट चेक करने के लिए आए, हम लोगों को हेलमेट मिल गया। कुछ नहीं हो रहा, इतना ठंडा पानी अंदर कुछ नहीं हो रहा। मेरे को तो होगा भाई, ना यार मेरे को भी नहीं हो रहा। सो ये है नींबू पानी, इसको रखते हैं यहाँ पे। ये रही क्लब की स्टैम्प जो मिट चुकी है, क्योंकि मैं नहा के आ रहा हूँ अभी अभी। वैसे तो हम लोगों का पता क्लब जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रात को करीब करीब 9 बजे या 10 बजे शायद सडनली प्लान बन गया क्लब जाने का फिर। और फिर हम 4 बंदों ने करी प्लानिंग और निकले हम दोपहर को 3 बजे क्लब के लिए। और पता है क्लब में आए बड़े मजे। वैसे तो पता पूरा का पूरा क्लब एकदम फुल हो रखा था, लेकिन एक चीज में बड़े मजे आए, वो थे डांस में। वैसे हम सिर्फ 4 ही बंदे थे, लेकिन फिर भी पता है मजे बड़े आए। मतलब अगर 10-15 बंदे होते ना, मतलब ग्रुप होता काफी बड़ा, तो और मजे आते। लेकिन फिर भी पता एक्सपीरियंस बड़ा मस्त था। जैसे मैं क्लब एक ही बार गया और लॉज गया हूँ एक बार, क्योंकि पता इतना टाइम नहीं मिलता और मतलब इतना जाता नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है ना वो बहुत जाते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा सामान रखा है केक बनाने के लिए। केक वैसे बन चुका है? नहीं बन चुका नहीं, बन रहा है अभी। केक रखा हुआ है ओटीजी के अंदर, और यहाँ पे लगा हुआ है टाइमर। 10:38 हो चुके हैं और यहाँ पर केक बन रहा है। ये देखो इसकी रॉड कितनी गर्म हो रखी है। वो पिंकी केक नहीं है, क्या है? क्या है वो, क्या बना रहा है? कपकेक? राहुल तू क्या बना रहा है? चोकोलावा केक। चॉकलेट तो वैसी रहनी चाहिए ना अंदर। अबे चॉकलेट डाले ना, लिक्विड बन जानी चाहिए चॉकलेट तो अंदर से ना। चॉकलेट की बात है भाई। सो यहाँ पर बन चुका है चोकोलावा केक, लेकिन चोको चोको लावा तो दिख नहीं रहा मेरे को। और एक यहाँ कटोरी पर रखा है, इसको कट करके देखते हैं। ना भाई लावा तो नहीं दिख नहीं रहा भाई मेरे को, नहीं है भाई लावा वावा इसमें। I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you.